चाप हमने सबका मिक्स करवाया। यहाँ के मोमोज, दही के शोले और जिनके कबाब है वो सबसे बेस्ट होते हैं पूरे करनाल। हे गाइस, इट्स संजना फ्रॉम फूडाहोलिक। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आज हम आ चुके हैं थर्सडे को न्यू वीडियो लेके न्यू लोकेशन पे। इस लोकेशन पे हमने काफ़ी वीडियोस कवर किया है लेकिन यहाँ पे हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्लेस का नाम बता देती हूँ। जो यहाँ पर कार्ट है उसका नाम है कृष्णा वेज फूड। इसकी लोकेशन रहने वाली है नेहरू पैलेस मेन मार्केट में, नियर कुमार बेकर्स। आप आसपास एरिया देख सकते हैं, बिल्कुल मेन मार्केट में, फूड मार्केट में ही रहने वाला है ये। और करनाल के तो आपको पता ही है, हम करनाल के हैं और कमाल के भी हैं बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं सर के पास, देखते हैं मेन्यू आइटम्स और कुछ बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें। ओनर, हेलो सर, नमस्कार जी, कैसे हो? बहुत अच्छे, बढ़िया जी। नवीन कुमार। नवीन कुमार, तो सर ये बताइए आपको, आप इस मार्केट में कितना टाइम हो गया ला? सर समथिंग 14 ईयर हो गए हैं जी। 14 साल से आप ही लगा रहे हो सर? अच्छा, मतलब करनाल का इतना स्पोर्ट है आपका 14 साल से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये बताइए आपके मतलब टाइमिंग क्या रहते हैं यहाँ पे? 5 to 10:30। और मतलब वीकेंड्स पे भी सेम रहते हैं? यस सर, हाँ जी बिल्कुल। मतलब फेस्टिवल में दिवाली के आसपास तो रात के समथिंग 2 बज जाते हैं। अच्छा, 2 बजे तक लगा लेते हो आप? ये भी तो ओपन रहती है ना दिवाली के टाइम में, 3-4 दिन की बात होती है, तब 1:30 या 2 बजे तक चलती है जी मार्केट। अच्छा, हाँ जी सर। और मतलब अपनी स्पेशलिटीज़ में क्या क्या आता है? स्पेशलिटी में सर अचारी चाप है, दही के शोले हैं जो ज़्यादा सेल होते हैं, और मशरूम डुप्लेक्स है, चीज़ फिंगर है, पॉपकॉर्न है, पनीर पॉपकॉर्न है, स्वीट कॉर्नस हैं, वेज कॉर्न सूप है, चना सूप है, टमाटो सूप है, मशरूम सूप है जी। बाकी ठंडे में मतलब आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठंडे में भी है, ड्रिंक्स में भी है? हाँ जी, ठंडे में भी है, लेमन नींबू है, शिकंजी है, लाइम सोडा है, मॉकटेल वगैरह फ्लेवर्स हैं। मतलब यहीं पे खाओ, यहीं प्योर कर जाओ। हॉट एंड चिल है ना? जी, आ चुका है कृष्णा वेज फूड का मेन्यू, हॉट एंड चिल का आपको मतलब पता लग गया है। यहाँ पर एड्रेस दे रखे हैं और कॉलिंग के लिए नंबर भी दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारी मशरूम डुप्लेक्स से स्टार्टिंग है, आप प्रॉपर देख लीजिए। हमें यहाँ पर चाप की काफ़ी वैरायटी मिलेगी, कबाब की, सूप की और भेलपूरी, स्वीट कॉर्न, दही के शोले, काफ़ी मतलब हमें हाफ़ और फुल के रेट में हमें मिलने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या ट्राई करना है। देखिए यहाँ पे मतलब प्रॉपर सब कुछ यहाँ अरेंज करके रखा हुआ है और कितना कलरफुल सा लग रहा है, इतना मज़ेदार लग रहा है देखने में ही। और ठंडी ठंडे बारिश का मौसम हो रहा है तो बहुत मज़ेदार लगता है जब खाने में, स्ट्रीट फूड में। सबसे पहले हमारे क्या रहे मतलब मशरूम डुप्लेक्स। तो गाइस सबसे पहले हमारे हो चुके हैं मशरूम डुप्लेक्स की तैयारी, जो हमने कराई है हाफ प्लेट। तो इसमें हमारे रहने वाले सोया कबाब, इधर 2 पीस हमारे ये भी रहेंगे, और पनीर पॉपकॉर्न भी आ गया साथ में। ओह माय गॉड, सारा कुछ बहुत क्रंची क्रंची रहने वाला है आज, बहुत मज़ा आ जाएगा। कोटेड वाले हैं, बिल्कुल क्रंच आने वाला है इसको खा के। अंकल जाने जा रहे हैं, और हमारा रहने वाला है इधर ये अचारी चाप। हमने सबका मिक्सचर करवाया थोड़ा थोड़ा, ताकि हम काफ़ी वैरायटी का टेस्ट लेंगे अलग अलग प्लेट में। वैरायटी काफ़ी अच्छी करवाने वाले हैं हम, ताकि टेस्ट करते मज़ा आ जाए। कर दो एक थोड़ा। हमारे कैब से चाप भी आ चुकी है थोड़ी, कितनी स्मूथ है ना, मतलब क्या कह रहे हो तुम? मैं तो कुछ बोल रही मैं सब कुछ पहले मैं एक चीज़ दो दो पीस ट्राई कर लूँगी सबके, फिर तू जो बचेगा खा लियो। जैसे आज स्ट्रीट फूड की ना बात अलग ही होती है सबसे। मुझे ये बताओ, किसी ने करनाल में मशरूम डुप्लेक्स खाए स्ट्रीट फूड में? मुझे पता नहीं खाए, तो यहाँ जो हटो ट्राई करने के लिए स्ट्रीट फूड में, मतलब यहाँ पे वैसे मतलब कैफे या रेस्टोरेंट्स पे मिल जाते हैं। हमने भी करनाल में एक ही जगह हमें अभी तक अच्छे लगे हैं, अब यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। सही बात है, सही बात है। तो फटाफट हमारा ऑर्डर हो रहा है रेडी। तो पूरा नींबू मसाला सब मार के हमें अपना पूरा पकोड़े खाने आए हैं। सर्दियों में कह रही हूँ, बारिशों में, आज वैसे बारिश हुई नहीं है यहाँ पे, तो पर दुआ करो गाइस करनाल वालों भी अब बारिश थोड़ी कम हो जाए, पानी हर जगह बहुत ज्यादा पड़ गया है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ना हर जगह। तो हमारे मशरूम डुप्लेक्स कट चुके हैं, साइज अच्छा है। अंकल जी इसके अंदर फीलिंग किसकी करते हो? किसकी? पनीर और पालक की। पनीर और पालक की फिलिंग करके हमारे पनीर मशरूम डुप्लेक्स के साथ में हमारे कबाब, ये कबाब भी अंकल जी खुद बनाते हैं, रियल सोया, प्योर सोया से बनते हैं ये, अंकल खुद बनाते हैं अपने हाथों से, बिल्कुल मेहनत करते हैं। ये आ गए हमारे पनीर पॉपकॉर्न। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, अपने बताओ। बढ़िया, व्हाट्स योर नेम? आई एम खुशबू। खुशबू करनाल से हैं? नहीं, एक्चुअली आई एम फ्रॉम भिवानी एंड आई केम हियर टू विजिट माय फ्रेंड। और जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं यहाँ पर ज़रूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ के मोमोज, दही के शोले और जिनके कबाब है वो सबसे बेस्ट होते हैं पूरे करनाल। तो आप हर विजिट पे ट्राई करके जाते हैं? ट्राई तो क्या आदत हो गई है खाने की, फैन हो गए अब यहाँ है ना। तो फिर आप और भी जगह आप शेयर करते होगे अपने एक्सपीरियंसेस? मैं तो यहीं आती हूँ। हाँ जी, तो आपको बहुत अच्छा लगता है? बेस्ट। और एक वहाँ पर है, वहाँ पर उनके
टिक्की बहुत टेस्टी है कॉर्नर में। हाँ जी, हाँ बस थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हमारी सारी चीज़ें आ चुकी है, जैसे कि मैं जो ट्राई करने वाला मैं उसका पहले बता देता हूँ। संजना अपने लोग बताएगी, भाई देखो मैं ट्राई करने वाला पहले KFC चाप, जिसका हमने एक ही पीस बनाया, उसमें देखो कितनी ज़्यादा बना दिया इन्होंने, और एक पूरी क्रंची है। ये हमें वैसे हाफ प्लेट 70 रुपीज़ के, जिसमें 2 पीस आते हैं, ये हमने एक पीस करवाया है तो ये 35 की हुई। तो और ये हमारे पनीर पॉपकॉर्न, ये हमने हाफ प्लेट लिया, ये 70 रुपीज़ की है। साथ में मैं लेमन, अपनी लेमन ट्राई करने वाला हूँ जो है 30 रुपीज़ की। इसको नीचे लग जाने की तो चाहिए कुछ, तो मैंने अपनी पहले KFC चाप ट्राई कर लेता हूँ। और जो इनकी चटनी है, ये तो क्रीम है, ये तो चलो अंकल कैसे बनाएंगे, जो इनकी दोनों चटनी अंकल कह रहे हैं मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ, और ये ऐसे इस हिसाब से बनी हुई है कस्टमर को नुकसान ना हो कोई भी, मतलब जैसे आते हैं ना मार्केट में कैनियो वाली भी आती हैं, जिसको ना बताओ हमें पता है कैनियो वाली भी सॉस भी आती है, पर ये अंकल खुद बनाते हैं। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी क्रीम लगा के। ओए होए, देखो KFC चाप का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ क्रंची होती है, ऊपर मसाला और नींबू डाला हो, आहा जो नींबू का टेस्ट आ रहा है, साथ में चटनी का, ये स्पाइसी वाली चटनी बहुत बढ़िया अंकल की। KFC चाप का मतलब पूरा क्रंच देना होता है और इसमें भरपूर है वो। और मैं ट्राई कर लेता हूँ अपने पनीर पॉपकॉर्न, ये भी अच्छे लग रहे हैं, तोड़ लेते हैं यार थोड़ा, तो मैं इसे ट्राई कर लेता हूँ, इसको ग्रीन वाले साथ करता हूँ ना सजना, प्याज भी ले लेता हूँ। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी कोटिंग कर रखी है, जिससे पूरा क्रंच आ रहा है इसमें भी, और ग्रीन वाली चटनी में थोड़ी स्पाइसीनेस भी है, हरी हरी मिर्च की, वैसे लाल मिर्च की नहीं, हरी मिर्च की, और थोड़ी पुदीने का टेस्ट आ रहा है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और हमारी लेमन का तो पता ही है हमें। अब आ चुकी है मेरी बाइट ट्राई करने की, मेरे को इतना ज़्यादा टैम्पटिंग लग रहा है ना, सब इतने देर से मैं वेट कर रही हूँ कि गौतम ट्राई करके हटे तो मेरी बारी आए। मैं इधर करवाने वाली हूँ यहाँ की बहुत ही पॉपुलर अचारी चाप, हमने हाफ प्लेट करवाई है, 50 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो ये भी मतलब यहाँ की ना स्पेशल मुझे चीज़ लगी कि यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें क्रंची क्रंची है, तो मैं सारी क्रंची है। हाँ सॉरी, वही ग्रीन चिल्ली का बोला था ना, ओह अचारी चाप में मुझे फुल एंड अचारी टेस्ट आ चुके हैं, क्रंच इसका, स्पाइसेस इसके, मसाले हो गया, और जो इसके अंदर की सॉफ्टनेस भी है वो भी एक नंबर है। हाँ मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा है कि मैदा मैदा भरा हुआ है कुछ ऐसा, सब अच्छा है। इधर अगला हम देख लेते हैं, हमने सोया कबाब, नहीं ऐसे वाला नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूँ, कृष्णा वेज है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो ये प्योर सोया से बना हुआ है, तो अब इसको मैं ऐसे ही खाती हूँ ना, ऐसे ये क्या कर रहा है। ये ना बताऊँ कैसे, इसको अगर हम खाएंगे ना 2 पीस खा के हमें ऐसा लगेगा कि हमारा कितना पेट भर चुका है। एक तो ये हैवी है, प्योर सोया हैवी होती है, और काफ़ी आगे से टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका, क्योंकि इसमें सोया दाल ये सब चीज़ों से बनती है, और साथ में टेस्ट भी हो गया और हेल्थ भी हो गई। और नवरात्रों में ना यहाँ पे स्पेशल सब कुछ ना बिना प्याज लहसुन के बनता है, तो आप नवरात्रों में भी ट्राई कर सकते हैं, आजकल इतने हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट आइटम मेरी आ चुकी है मशरूम डुप्लेक्स, सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी क्योंकि इसके अंदर स्पिनच एंड किसकी फीलिंग है, पनीर की, तो मतलब ये हेल्दी ऑप्शंस में भी आते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी बनाई हुई है मैंने, सब कुछ मिक्स कर दिया मैंने। इसका क्रंची है, बाहर से क्रंच आया, फिर मुझे थोड़ा स्पिनच का टेस्ट आया, स्पिनच का ज़्यादा आ रहा है, पनीर वाला थोड़ा आ रहा है, फिर मुझे लास्ट में मोमोज कह रही मशरूम का टेस्ट आया सॉफ्ट सॉफ्ट, तो मुझे मशरूम तो वैसे ही बहुत पसंद है, तो ये एक नंबर बने हुए हैं। लेमन का हमारा प्राइस रहने वाला है 30 रुपीज़, मशरूम डुप्लेक्स का प्राइस है कितना हमारा, 70 रुपीज़, हाफ प्लेट में हमने हाफ करवाई है, बाकी हमने बता दिया। तो मुझे तो यहाँ पे मशरूम डुप्लेक्स ये भी हो यार, सारा कुछ मुझे अच्छा लगा, मैं अब क्या बताऊँ, एक चीज़ को तो बढ़िया मज़ा आ गया मुझे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं
अगले थर्सडे को। पर उससे पहले संजना दही से ना, तुझे क्या अच्छा लगा सबसे यार? वैसे तो ना सारी चीजें बहुत ही ज्यादा यम्मी थी, और हमने वैसे दही के छोले ट्राई नहीं करे, तो उनका रिव्यू अगली बार आएंगे, हम शॉर्ट बना के जाएंगे, ट्राई करेंगे। तो आप कर सकते हो, जैसे उन्होंने बताया अभी, आप मशरूम वो दही के छोले ट्राई करो, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। साइज भी इतना बड़ा, पर जब तक हमारी चीजें बन चुकी थी, हम एक चीज और पेट में जगह नहीं बना सकते। अभी भी पूरा पेट भर चुका है, बहुत ही ज्यादा मजा आ चुका है। वैसे मुझे मशरूम डुप्लेक्स कबाब और तुझे पनीर पॉपकॉर्न और केएफसी चाप, मतलब चाप तो मेरी फेवरेट है, मतलब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। तो हम ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, देखो कोई भी एवरेज भी नहीं था, कोई चीज एवरेज भी नहीं थी, एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर थी। तो हम ये भी बोल सकते हैं ये ठीक ठीक था, पर सारी चीजें अच्छी थी। इसलिए तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। अगर आप यहाँ पे विजिट कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगले थर्सडे को, तब तक के लिए बाय बाय।